मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन बीजगणित व्यंजक और समस्या समीकरण में समझाने जा रहा हूँ। तो ये थोड़े से लेंथी गुणे हैं। लास्ट में वीडियो में मैंने दो अंकों वाले बताए थे, यहाँ पे तीन अंक है। प्रोसेस वही फॉलो होना है कि अंक अंक का गुणा करना है और एल्जेब्रिकल डिजिट यानी एबीसीडी वाले पदों का एबीसीडी वाले पदों में ही गुणा होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 4/3। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। देखिए 4/3 x³ y^z इंटू 1/3 y² z इंटू माइनस का 9xz की पावर हमारी कितनी होगी? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन कर। अब अगर कोई डिजिट कटे तो कट कर दीजिए। देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो अपने आप हमने क्या मान लिया, एक नीचे से ऊपर वाली संख्याएं कटती हैं। देखिए 3 × 3 3 × 3 = 9। अब आप कहेंगे सर इतनी दूर आपने काट दिया। मल्टीप्लीकेशन में चाहे खूब सारी संख्याएं लिखी हो हमेशा एक संख्या ही मानी जाती है, तो यहां तो केवल 3 लिखी है और कटता हमेशा हर से अंश है, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। बस ध्यान क्या रखना होता है कि कटने वाली संख्याओं के बीच में गुणे का निशान होना चाहिए, प्लस या माइनस है तो संख्याएं नहीं कटती है। ठीक है, अब सब संख्याओं के बीच में गुणे का निशान है तो बस कट जाएगा। ये देखिए 3 × 3 हमने नीचे से ऊपर वाली संख्याओं को काट दिया। अब 4 बचा, यहां 1 बचा और ये वाला 1 बचा, तो 4 × 4 = 4 × 4 = 4 ये हमारा आ गया क्या बेटा 1 × 1 × 1 × 1 केवल। अब देखिए x³ यहां है, यहां x है, 1x यहां है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है इसलिए इसके ऊपर क्या पावर कंसीडर करी जाएगी 1। तो x² + 1 क्यों किया, हमको पता है आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। ठीक, ये होता है हमारा तरीका एल्जेब्रिकल डिजिट यानी एबीसीडी वाले डिजिटों को सॉल्व करने का। अब y वाले में देखिए 1y ये है और यहां तो y है नहीं, तो इस y के ऊपर कोई पावर नहीं इसका मतलब 1। तो यहां भी इन दोनों की घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 1+2। अब z देखिए 1z ये 1z ये 1z ये z तीनों जगह है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है 1 मानेंगे, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं 1 मानेंगे, यहां z लिखेंगे 1+1 और 1 ये z था तो इसकी पावर 3 थी तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या आ गया 4 x³ 3 y³ 3 और z³ 3 × 5। ठीक, अब ये बटे वाला 1 है इसको यहां लिखिए। किसी संख्या के बटे में आप 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया 4x³ y³ z³ 5। ठीक है बेटा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए -6/7 a²b ((3ab)c (14/15)a। ठीक है, फिर वही तरीका, डिजिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन और ऊपर नीचे अगर संख्या कट जाए तो काट दीजिए। देखिए 7 × 7 7 × 2 = 14 कट गया। अब 3 × 3 3 × 5 = 15। अब देखिए 6 और 5 ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिससे 6 और 5 कटे, तो अब संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो अब डिजिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 एंड 6 × 2 = 12।
तो माइनस का 12 अपॉन में ये 5 बचा, ये 1 बचा, 5 बन जा 5, 12 अपॉन 5, मल्टीप्लीकेशन वाला काम मेरा खत्म। अब एल्जेब्रिकल डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वही तरीका, क्या यहां ए स्क्वायर है, यहां ए है, यहां ए है, तीन जगह ए लिखा है, सारी संख्याओं में आपस में गुणा हो रहा है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो यहां तो दो घात दी है, यहां घात नहीं दी इसलिए यहां क्या कंसीडर कर लीजिए 1, यहां घात नहीं दी यहां क्या कंसीडर कर लीजिए, क्या मान लीजिए यहां 1, तो अब ए की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस ये वाला 1 और प्लस इसकी पावर 1। ऐसा क्यों, आधार समान है, सबका आधार ये है, गुणा हो रहा है, देखिए सब में गुणा है तो घाते आपस में जुड़ जाती है, तो मैंने घाते जुड़ दी। अब बी वाले में एक काम कीजिए, एक बी ए, एक बी ए और एक बी ए, देखिए इस बी के ऊपर कोई पावर नहीं इसका मतलब 1, इस बी के ऊपर कोई पावर नहीं इसका मतलब 1, और इस बी के ऊपर भी कोई पावर नहीं है इसका मतलब भी 1, तो यहां पे लिखिए बी 1 प्लस 1 और ये प्लस 1, ठीक। अब हमारे पास अकेली डिजिट बची है सी, सी न यहां है न यहां है, केवल यहां है, तो इस सी को ये मैंने अकेला, तो यहां आ गया 12/5, ए की पावर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना 4, बी की पावर कितनी आ गई 1 2 3 और सी कितना है केवल, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के आपके 5 क्वेश्चन है, मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी 2 ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछिएगा, अभी आपको मैंने जैसे बताया है उस स्टेप को एक एक करके ध्यान रखिए और फॉलो करते हुए करिए। हाँ एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहें तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन के साइन को भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड होता है कि ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे दीजिए और कुछ भी ना समझ में आए तो मैसेज या कॉल करके पूछिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको आप कई बार प्ले करके सुन सकते हैं और आपको चीजें आसानी से समझ में आ सकती हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज या कॉल करके पूछिएगा। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।